Hello students. Hello. Hello sir. Good afternoon sir. Good afternoon. Good afternoon sir. Good afternoon sir. You are able to hear me? Yes sir. Yes sir. Screen. Yes sir. Screen yes, sir. Rotate kar lo. Okay. Okay. Yes sir. Sir. Students, listen me. If you are not able to listen me, don't worry, I will send audio video recording to you. Samajh gaye aap? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Now today we are here with first poem of your syllabus, a photograph. Okay? Yes sir. The first line of the poem is, the cardboard shows me how it was. Basically, in this poem, the poet wants to tell about the life of her mother. Her mother when she was in teenage, her mother when she was in middle age, her mother when she was no more. Means there are three stages which have been described by the poetess about her mother. Samajh aa rahi hai aapko baat? Yes sir. Yes sir. Okay, the first line, the cardboard. Cardboard means a thick paper board. Basically there is a paper board, you can say. There is a photograph where there are photos of poetess mother. The cardboard shows me how it was when two girl cousin went paddling. Poetess mother is there. Paddling means on the sea beach. Poetess mother was on the sea beach and her mother's two cousins were also with her. समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, एक फोटो है, फोटो में जो पोइटेस है उसकी उसकी जो है मां उसको दिखाया गया है और साथ में पोइटेस की मदर की दो चचेरी बहनें वो भी साथ में है. ओके, can you hear me? Yes sir. Yes sir. Okay, each one holding one of my mother's hands. Means poetess mother aise hai, is side ek poetess ki mother ki jo behan hai, is side ek poetess ki mother ki behan hai, aur aise tino ladkiyan jo hai na sea beach par jhoom rahi hai. Ye kab ki baat hai? Jab poetess ki jo mother hai choti avastha mein thi. And see the big girl. Here big girl is poetess mother. आप ये अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज. जो पोइटेस की जो मदर है वो अपनी दोनों चचेरी बहनों के साथ ऐसे हाथ में हाथ लिए सी बीच पर है, सम 12 ईयर्स और सो. और इसमें जो पोइटेस की जो मदर है उसकी एज लगभग 12 साल की है. ये उस समय की बात है जब पोइटेस की जो मदर है वो लगभग 12 साल की थी. All three stood still. सभी ऐसे खड़ी है कैमरे में जैसे होता है तीनों, जैसे कैमरे में होता है ना जैसे ऐसे खड़ी है तीनों, स्टिल है क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये मान लीजिए एक फोटो है. तीनों स्माइल थ्रू देयर हेयर, उनके बाल, वो बालों से मुस्कुरा रही है. बाल मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तेज हवा के कारण फोटो में उनके बाल ऐसे उड़ते हुए दिखाई पड़े हैं. एट द अंकल विद कैमरा, और ये जो फोटो है ये मेरे अंकल पोइटेस के अंकल मामा, पोइटेस की मदर के भाई, उन्होंने खींची हुई है. ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और इस फोटो में मां का चेहरा खिला हुआ है. यह उस समय की बात है
जब कभी कवयित्री कहती है मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि जब कवयित्री की मां ही 12 साल की थी, अभी वही बचपन में थी, तो एंड सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। और समुद्र, कवयित्री कहती है जब इस फोटो में जो समुद्र है मेरी माँ के पांव के पास और आज जो समुद्र है वो सेम है। क्या कहना चाहती है कवयित्री? कि जो प्रकृति की चीजें होती हैं, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो ऑलमोस्ट परमानेंट होते हैं। वाश देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फिट, जबकि मेरी माँ के जो टेरेस ट्रांसिएंट बदलने वाले फिट पांव, क्योंकि मेरी माँ के जो पांव हैं इस फोटो में छोटे हैं और बाद में बड़े हुए, मतलब कि जो ये होता है आपका मनुष्य ये चेंजेबल है, और जबकि प्रकृति क्या है? अनचेंजेबल है। समझ में आ गया आपको? यस सर। मैं दोबारा सम अप करता हूं। इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएटेस वांट्स टू टेल अस अबाउट हर मदर। व्हेन हर मदर वाज 12 इयर्स ओल्ड, सी हैज अ स्वीट फेस एंड सी वाज एंजॉयिंग सर्फिंग एट सी बीच विद हर कजन्स। मींस childhood is an age of festivity, an age of you can say strength, vitality, sweetness. समझ में आ गया? ये पहला स्टैंजा। इन सेकंड स्टैंजा, some 20 30 years later, means माँ पहले पहले में 12 साल की थी और दूसरे वाले में क्या है उसके 20 साल के बाद या 30 20 साल के बाद, और ये जो बोल रहे हैं ना बच्चे, पता चल गया भाई फिर मां कैसे क्लास नहीं लेने दूंगा, सुनो मेरी। सम 20 और 30 इयर्स लेटर, सेकंड स्टैंजा में क्या अवस्था है? जब कवयित्री की मां 32 या 42 साल की थी, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट बिकॉज ऑफ बर्डन। नाउ सी वाज मैरिड, देयर वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज, दैट इज व्हाई सी हैड लॉस्ट लाफ्टर एज योर मदर। You can compare with your mother. Now your mother is almost 40 or 35 years old and they cannot laugh as you can laugh because you have no tension, you have no burden. But your mother has burden of household. मैं कह रहा हूं कि कवयित्री ने दूसरे स्टैंजा में उस समय की बात करी है जब कवयित्री की माँ 12 साल के 20 साल की 32 या 42 साल की थी, जब शादी हो चुकी थी, कवयित्री का जन्म हो चुका था। अब मां इतनी ज्यादा जिम्मेवारियों में घिर गई थी कि उसकी हंसी नेचुरल नहीं आती थी। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो ऐसे स्नैपशॉट को देख करके हंसा करती थी और कहा करती थी मुझे, कवयित्री कहती है मुझे कहा करती थी, सी बेटी एंड डोली, शी वुड से लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच, और कहती थी देखो देखो बेटी, तुम्हारी मौसी बेटी को देखो, तुम्हारी मौसी डोली को देखो, और देखो हमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि 12 साल की थी उस समय, वो 12 साल के तो थोड़ा सा कपड़े लूज कपड़े डाल सकते हैं। तो वो कह रही है द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, लेकिन अब माँ का ये जो सी हॉलीडे है ये पास्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है? अब वो जो मस्ती है, वो जो मौज है, जो बचपन में एक लड़की करती है अपने, जब वो अपने माँ बाप के पास होती है, शादी के बाद शायद ऐसा नहीं हो पाता। तो आज माँ की ये जो सी हॉलीडे है, आज माँ के जो खुशी के दिन है शायद अतीत हो गए हैं। माइन इज हर लाफ्टर, और कवयित्री कहती है मैं माँ की हंसी खो चुकी हूं, मैं देखना चाहती हूं इसी तरीके से खिलखिलाना जैसे माँ खिलखिला रही है कहां पर, इस फोटो में। लेकिन अब बड़ा निसंदेह बड़ा अफसोस है कि ऐसा नहीं हो पा रहा, माँ आज टेंशन में रहती है, कभी बेटी के लिए करना, कभी बेटे के लिए करना, कभी पति के लिए करना, कभी सास के लिए करना, कभी ससुर के लिए करना, सारा दिन सुबह 5 बजे से सब सोते तक भागम भाग रहती है, हंसने की कोई फुर्सत माँ को अब नहीं है। बोथ राय विद लेबर इज ऑफ लॉस, बोथ आया है कवयित्री और कवयित्री की माँ, बोले हम दोनों आज कोशिश कर रहे हैं कि अपने नुकसान को थोड़ा सा ईज कर सके। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो पोइटेस है उसकी माँ का बचपन चला गया है,
उसकी माँ की हंसी चली गई है, वो उन हंसी को ढूंढना चाहती है सेकंड स्टैंजा में, और कवयित्री के लिए माँ की जो हंसी है वो चली गई है। तो दोनों ने खो दिया, कवयित्री ने अपनी माँ की हंसी को खो दिया है और माँ ने अपने बचपन को खो दिया है, सेकंड स्टैंजा में हमें ये बताया गया है। मींस सेकंड स्टैंजा ये बता रहा है हमें कि अब बचपन अतीत हो गया, अब माँ शादी में आ गई है, अब माँ की जिम्मेवारियां बढ़ गई है। समझ में आ रहा है आपका सबको भाई? यस सर। यस सर। अब लास्ट स्टैंजा, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज द गर्ल लिव्ड। अब तीसरे स्टैंजा में क्या बताया है कि माँ को मरे भी अब कितने साल हो गए हैं, जितने साल इस फोटो में माँ को साउंड में बफरिंग है। कोई बात नहीं, आपको मैं वो दे दूंगा, आप बस सुनते रहिए, रिकॉर्डिंग भी आएगी, आप आराम से सुनते रहो, बीच में डिस्टर्ब करोगे तो फिर सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका खुद का नेट भी खराब हो सकता है। सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज द गर्ल लिव्ड। तीसरे स्टैंजे में माँ को मरे भी कितने साल हो गए हैं, जितने साल पहले वाले पैसेज में सी 20 पर माँ की उम्र थी, कितनी 12, यानी कि तीसरे स्टैंजे में कवयित्री उस अवस्था को बता रही है जब माँ को मरे भी 12 साल हो गए हैं। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और कवयित्री माँ के मर जाने पर बड़ी दुखी है और कहने को उसके पास कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंस इज, माँ की चुप्पी ने कवयित्री को भी चुप कर दिया है। समझ गए? यस सर। हाँ, तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा। इन फर्स्ट स्टैंजा देयर इज चाइल्डहुड डेज ऑफ पोएटेस मदर, सी वाज देयर एट सी बीच एंड सी इज एंजॉयिंग द लाइफ। इन सेकंड स्टैंजा इट इज डिस्क्राइब्ड व्हेन सी वाज ए वाइफ, मींस हर मदर वाज ए वाइफ एंड सी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ life and that is why she has lost her laughter. Ye second stanza. And in third stanza, when mother is no more because of old age, because of circumstances, mother has gone and it has taken 12 years. Samjh mein aa gayi bhai aapko baat? Yes sir. Ye point teen, ye point teen stanza mein aise baati hai, maa ke bachpan ka pehla stanza जब वो सी बीच पर एंजॉय कर रही है, सेकंड स्टैंजा माँ जब पत्नी बन गई थी, 42 साल की उम्र के आसपास उसकी उम्र हो गई थी, वो हंसी खो गई थी, जिम्मेवारियां बढ़ गई थी, ये सेकंड स्टैंजा। और थर्ड स्टैंजा जब माँ इस दुनिया में नहीं रही और इस बात का दुख इतना है कि कवयित्री के पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं इसकी दो दो बार रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पिछले साल वाली भी, इस साल वाली भी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? आपने वीडियो मेरा चेहरा ही तो देखना है, मेरा चेहरा देख करके आप क्या करोगे, मेरी आवाज सुन रही है कि नहीं सुन रही? बस सुन रही है। मेरा चेहरा क्या देखना है, आवाज सुनो, ठीक है? ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 सर, बाय बाय सर।